नमस्कार रांची, आज हमारे साथ झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी झारखंड सरकार के परियोजना निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह आज हमारे साथ हैं और जिस कार्यक्रम के लिए सर की बातों को आज हम सुनने जा रहे हैं वो है 1 अक्टूबर 2021 को मनाया जाने वाला नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे। सर आपके रेडियो खांची में बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सर आज का जो दिन है बहुत खास है क्योंकि आजादी के 75वें वर्ष के अंतर्गत जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो इसमें आप लोगों ने रक्तदान के संबंध में क्या प्लान किया है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जिसमें 75 साल हमारी आजादी को हुए हैं, उसको लेके विभिन्न विभागों के द्वारा हमारे राज्य में कार्यक्रम चल रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें बहुत सारे कार्यक्रम करवा रहा है। हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेशली स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज का दिन है क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, नेशनल ब्लड वॉलंटियर ब्लड डोनर्स डे बोला जाता है। एंड आज के दिन का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए भी है कि हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों ने वॉलंटरी कभी भी ब्लड डोनेट किया है उनको सम्मानित करें और इसीलिए ये आज का दिन उन लोगों के लिए ही है। जी आपने बहुत ही अच्छा कहा सर कि स्वैच्छिक रक्तदान से ही कहीं न कहीं ब्लड यूनिट्स की जो आवश्यकता है राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसको पूरा किया जा सकता है। अभी झारखंड राज्य में रक्तदान एवं संग्रहण की क्या स्थिति है? देखिए हमें एक सिंपल सा अगर आप समझे तो पॉपुलेशन का 1% जो टारगेट होता है ब्लड डोनेशन का एवरी ईयर का, तो हमारे राज्य की अगर हम 3.25 करोड़ पॉपुलेशन को लें तो मैं हर साल 3,25,000 यूनिट कलेक्ट करूँ। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से हम लोग 1.5 लाख से 2 लाख यूनिट ही कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये 1 से 1.25 लाख का जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को पाटने के लिए आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय ब्लड डोनर्स डे के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम लोगों के साथ आए थे, हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं सर, उन्होंने अपने स्तर से हर 3-4 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए सीएम सर खुद आ गया है और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो 1 लाख का कमी है उसको पूरा किया जाए। उसको पूरा करने के लिए विभाग के द्वारा हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट से बात की, हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की, वॉलंटरी ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन से बात की, हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग में भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हर जिले में वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन हम लोग बनाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अथक प्रयास हैं जो कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ले रही है और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 महीनों में इनफैक्ट अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अब तक 1,25,000 यूनिट्स कलेक्ट कर चुके हैं। ये हमारे झारखंड वासियों का एक तरीके से इसके प्रति लगाव है, हम लोग कर पाए। पिछले 3 महीने में लगातार हर महीने हम लोग 25 से 26,000 यूनिट कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे राज्यवासियों की और अगर ये रफ्तार हमारी मेंटेन रही तो मैं समझता हूँ कि इस साल जो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है और जिस प्रकार से आप लोगों के मुहिम का एक असर देखा जा रहा है कि लोग स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत आपको बधाई सर। और अब एक जो बात है कि रक्तदान के संबंध में कई प्रकार के अंधविश्वासों या कह सकते हैं कि भ्रांतियों ने बहुत लोगों के मन मस्तिष्क को जकड़ रखा है जिसके कारण लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ नहीं पाते हैं, तो उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए आप लोगों ने क्या क्या योजनाओं को चलाया है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि लोगों के मन में भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन करने से, लोगों को लगता है कि उनकी बॉडी की एनर्जी लेवल कम होगा, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हम सब लोगों को समझना चाहिए 18 साल से 60 साल तक की उम्र के सभी लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आजकल हम एंटीऑक्सीडेंट दवाइयां खाते हैं, कोरोना के टाइम सब लोग जान गए हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इत्यादि की दवाइयां हमें चाहिए, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर हम अपना नियमित ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी बॉडी में नए ब्लड को फॉर्म करना स्टार्ट होगा, तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स की हमें जरूरत है वो पड़ेगी ही नहीं। दूसरी चीज के कैसे भी ब्लड की लाइफ साइकिल 120 दिन होता है तो वो उसकी डेथ होनी ही है, हर 120 दिन में एक ब्लड सेल की डेथ होनी ही है, तो वो कैसे भी उसका डेथ होगा वो हमारे बॉडी में एक जो फॉरेन बॉडी के जैसे फिर घूमेगा, जिसको हम लोग सो कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट और हमारी बॉडी में जो वैसे तत्व हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं वो बनता है। तो अगर हम रेगुलरली ब्लड डोनेट करेंगे तो हम न केवल मानवता की हेल्प करेंगे बल्कि हम अपनी पर्सनली हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी स्टिमुलेट होगी नया ब्लड बनाने के लिए,
हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, और सबसे ज्यादा कोई आप कह लीजिए एनवायरमेंट का प्रभाव या अलग चीजों का प्रभाव, वो सभी ब्लड डोनेशन करने से हमारे शरीर में कम होगा, और हमारी जो बोन मैरो है जहां पे ब्लड फॉर्म होता है, बोन मैरो स्टिमुलेट होगी, तो उससे हमारा जो पूरा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है वो स्ट्रांग। तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे सुन रहे हैं जिनमें भी भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेशन से कुछ घाटा है, ब्लड डोनेशन से केवल फायदा है। एक अभी रिसर्च भी आई है कि जो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करती हैं, दे एंड अप बिकमिंग मोर क्या बोलते हैं टोनिंग ऑफ द बॉडी होती है उससे। सो आजकल ये एक नया रिसर्च चल रहा है स्किन साइंसेस में, तो वो भी अगर लोगों को लगे कि इंस्टेड ऑफ जो हम लोग क्रीम इत्यादि अप्लाई करते हैं, तो अगर उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस ब्लड डोनेट कीजिए और आपकी बॉडी आपकी त्वचा हेल्दी दिखेगी। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी रेडियो खांची के श्रोताओं को दिया है। रेडियो खांची के सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि अभी हमारे साथ झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह सर हैं। सर, छोटी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग चाहते हैं कि किन लोगों को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किनको नहीं करना चाहिए, और आप लोग भी अगर कभी कोई ब्लड डोनेशन करने जाएंगे तो आपको हमारे डॉक्टर साहब एक कागज देते हैं जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा बिंदु लिखे होते हैं कि आपको दांत की बीमारी तो नहीं, आपको कोई कल दो दिन पहले कोई बीमारी तो नहीं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमें ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोहिबिट करती है, लेकिन एक रूल ऑफ थंब आप ये मानिए कि अगर आप 18 साल से 60 साल तक के हैं तो आप जाकर के ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये जो नहीं करने वाला चीज है, जो शायद से लोगों के मन में ज्यादा घर कर गया है, जिस कारण हम लोगों का जो टोटल टारगेट है उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाते, तो मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोग ब्लड डोनेट करने जाइए। आप इंसिस्ट कीजिए कि आपको ब्लड डोनेट करना है उससे, क्योंकि आपका पर्सनल फायदा है, और जब उसमें वो जो क्वेश्चन आयर है उसमें अगर आपकी कोई बीमारी है तब आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट होते हैं। अदरवाइज मेरे अनुसार मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। जी बिल्कुल, रांची कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के उम्र में हो, और स्वैच्छिक रूप से आनंद लेते हुए अपना रक्तदान करिए, क्योंकि आपका रक्त जो है वो बहुतों का जीवन जो है वह बचाता है। चलते चलते डॉक्टर सिंह, हम लोग जानना चाहेंगे कि रेडियो की क्या भूमिका है। रेडियो खांची में आज आप हमारे साथ हैं, हम लोग बहुत अच्छा लग भी रहा है, फोन से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रेडियो इसमें क्या भूमिका आपके साथ निभा सकता है? नहीं, देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है रेडियो, चाहे आपका रेडियो खांची हो या फिर अदर सोशल मीडिया के जो भी माध्यम है आजकल, तो पहले उसका सेम चीज फेसबुक ट्विटर इत्यादि पे जाते हैं। जो हमारी यंग जनरेशन है उनको ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने 2500 स्कूलों में रेड रिबन क्लब बनाए हैं, जो कि हर स्कूल में 10 से 12 बच्चों का यूथ ग्रुप है। तो आई अंडरस्टैंड के लोग ज्यादा समझने लगते हैं और उनके मन में भ्रांतियां फैले। यूथ एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक बार मन में इंस्टॉल हुआ कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि हमारे रांची में बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने 100 से ज्यादा बार अपने लाइफ टाइम में ब्लड डोनेट किया है एंड दे आर स्टिल डोनेटिंग। सो अगर हमारा यूथ 20 साल की उम्र में, जो आप रेडियो के माध्यम से आपके कॉलेज और बाकी जो स्टूडेंट्स अगर वो लोग सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप लोग लगातार ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको केवल फायदा होगा। और अगर आपको पितृपक्ष का, अपने पितरों को आपको कुछ तर्पण करना है, अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट दिन, शादी की सालगिरह है, तो उस दिन अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास पहले बस की असुविधा थी, अब हम लोगों ने एक बड़ी बस ले लिया। आपने देखा होगा रांची की शहरों में लंबी लाल कलर की बस घूमती है। आप 104 पे हमें कॉल करें, आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, हमारी टीम आपके घर। बहुत सारे जो श्रोताओं को बता सकता है 104 का अगर आप प्रचार करेंगे ब्लड डोनेशन के लिए, तो सबसे ज्यादा फायदा हमारी राज्यवासियों को ही, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। जी बहुत धन्यवाद सर। व्हाट्सएप इसके माध्यम से, क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग होती है एंड आई नो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को प्रसारित करते हैं, जो कि यूथ के बोलते हैं ना नर्व्स को टच करे, तो आप जिस भी तरीके से उनको छू सके उनके दिल को, आप लोग उसमें हमारी मदद करें। और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से बाकी भी जो हमारे रेडियो वाले जो चैनल हैं वो भी इस चीज को अडॉप्ट करें एंड दे ऑल्सो प्रमोट द सेम। जी बहुत धन्यवाद आपका रांची। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ विशेष बातचीत डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं झारखंड स्टेट
एड्स कंट्रोल सोसाइटी और ब्लड डोनेशन के लिए जिस प्रकार से इन्होंने कई सारे बातों को हमारे सामने रखा है, तो निश्चित ही जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो घर से निकले और जरूर ब्लड डोनेट करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातों को रखे हैं। आपका रेडियो खांची की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।